Shall we proceed now? Yes, sir. Jai Hind. Jai Bharat. Jai Bharat. Jai Hind. Jai Bharat. Feeling great? Yes, sir. All right. Welcome to My Career Doctor. My name is Prakash and I shall be teaching you guys how to speak in English, how to write in English, and how to stay updated. In short, complete transformation journey starts here. This is first day today. And kal ke class mein humne aapko bahut zyada torture kiya tha. If you remember, I forced you to come and speak here. It was good. Aur aaj jo kuch bachchon ne apne parivar ke bare mein bola, it was also good. It means now you are trying slowly, slowly. Am I right? Good. आज के इस क्लास में मैं सबसे पहले आपको कुछ बेसिक पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से ग्रामर में, फिर हम बोलने की प्रैक्टिस करेंगे और कुछ साथ साथ वर्ड्स भी सीखेंगे. तो शुरू करते हैं. आई नो यू हैव अ लॉट ऑफ डाउट्स, बट लेट मी स्टार्ट दिस. ऑल द डाउट्स ऑफ योर्स मस्ट बी रिमूव्ड. सबसे पहली बात, ये जो हम सीखने आए हैं, ये सीखने आए हैं इंग्लिश लैंग्वेज. क्या सीखने आए हैं? इंग्लिश लैंग्वेज. लैंग्वेज, लिटरेचर की बात नहीं. मैंने जानबूझकर यहां इंग्लिश लैंग्वेज लिखा है बिकॉज यू आर हियर टू लर्न हाउ टू स्पीक एंड राइट इन इंग्लिश. एम आई राइट? गुड. इंग्लिश लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? To learn any language, what do we learn very first? Grammar. Yeah. और ग्रामर में क्या सीखते हैं? टेंस या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच? वेरी गुड. लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे लेटर की. किसकी बात करेंगे? ये सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि हम लोग सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ करते हैं ना, वो यहीं से करते हैं. अभी किसी बच्चे ने बोला वेरी हैप्पी फैमिली. रिमेंबर व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ अल्फाबेट. तो हम सबसे पहले लेटर से ही शुरू करेंगे. मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश बहुत ही आसान भाषा है, लेकिन तब जब इसके लिए हमारी रणनीति अच्छी होनी चाहिए. क्या अच्छी होनी चाहिए? वी मस्ट हैव अ ग्रेट स्ट्रैटेजी. अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा. कभी हो सकता है निशाने पर लग जाए, नहीं तो आप चूकते रहेंगे. तो इट्स बेटर दैट वी मस्ट फॉलो अ स्ट्रैटेजी. जैसे कि कल हमने बात किया था कि हमें फोकस करना है एल पर, यानी लिसनिंग पर, सुनने पर. राइट नाउ आई एम स्पीकिंग एंड यू गाइज आर लिसनिंग. ये भी एक प्रैक्टिस है. इससे आपकी माइंड कंडीशनिंग होती है और ये कुछ समय तक आपको क्या करना है? लगातार करते रहना है. दिस इज़ वाई आई ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, सो दैट इट हेल्प्स यू टू मेक योर माइंड कंडीशन्ड. बता रही है समझ में आपको? राइट. लिसनिंग, देन स्पीकिंग इज नेसेसरी. स्पीकिंग, इधर यू कम एंड स्पीक हियर और टॉक टू योर फ्रेंड, बोथ कम इन स्पीकिंग एक्टिविटी. देन नेक्स्ट इज रीडिंग. आर स्टैंड्स फॉर रीडिंग. एवरी डे न्यूज पेपर कम्स टू माई करियर डॉक्टर. सो वेन यू कम हियर, टेक अ न्यूज़ पेपर एंड रीड दैट लाउडली कमिंग हियर. यहाँ आके आप क्या करेंगे? जोर से न्यूज़ पेपर पढ़ेंगे. ऐसा करने से हमारी जो जवान है ना, स्पीकिंग इंग्लिश मसल, वो धीरे धीरे क्या होती है? सेट होती है. क्या होगी? सेट होगी. और तभी आप देखेंगे शुरुआत में इट इज़ डिफ़िकल्ट टू थिंक इन इंग्लिश, बट वेन यू लिसन एवरी डे इन इंग्लिश, स्टार्ट में छोटी छोटी चीज़ें आप सुनेंगे. वेन यू रीड इन इंग्लिश एवरी डे, वेन यू टॉक इन इंग्लिश एवरी डे, वेन यू लर्न इंग्लिश वर्ड्स एवरी डे, तो ऑटोमेटिकली आप दो तीन महीने के बाद देखेंगे कि आप इंग्लिश में ही सोचने लगेंगे. एक बार में तो नहीं सोचेंगे, लेकिन एक बार सोचेंगे ज़रूर. कैसे सोचेंगे? जब आप रोज़ कुछ ना कुछ सुनेंगे. When every day you talk in English, जैसे अभी बोल रहे हैं आप. When every day you write in English, when every day you read in English, तो दो से तीन महीने के बाद आपका जो subconscious mind है ना, वो automatically substantially means काफ़ी हद तक क्या करने लगेगा इसको process. I hope you understand what is the idea all about. So हम इंग्लिश लैंग्वेज में धीरे धीरे हम उसकी भी बात करेंगे, उन चीज़ों की, प्रैक्टिकल चीज़ों की. सबसे पहले वेरी फास्ट वी लर्न लेटर. क्या सीखते हैं हम? एल ई टी टी ई आर, लेटर.
यहां लेटर का मतलब होगा अक्षर। क्या मतलब होगा? वैसे तो लेटर का मतलब पत्र भी होता है, खत भी होता है, लेकिन हम यहां क्या पढ़ेंगे? अक्षर। लेटर मीन्स अक्षर, राइट, अल्फाबेट जिसे आप कहते हैं। लेकिन इससे मिलता जुलता कुछ कंफ्यूजिंग कुछ वर्ड्स हैं, मैं चाहता हूं कि आप उन्हें भी देख ले, जो बहुत ही आपके लिए यूजफुल होगा। देखिए यहां पर ये है लेट, ये क्या है? लेट क्या है? और ये है लेट। ये वर्ड्स आपको बहुत काम आएंगे, ठीक है ना, और इसको लिखना भी जरूरी है बाबू। लेट हम यूज करते हैं परमिशन के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? परमिशन के लिए। और लेट का मतलब क्या होता है? देर। देर समझते हैं ना, विलंब, या फिर स्वर्गीय जिसे मरहूम भी कहते हैं आप हिंदी में। जिसे आप अपने दादाजी का नाम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? लेट। लेट, लेट, प्रोनंसिएशन पर फोकस कीजिए। लेट, 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 लेट। जैसे आई टी को क्या बोलेंगे? एट। क्या बोलेंगे? ई की मात्रा है, लेकिन ई ए टी को क्या बोलेंगे? ईट। क्या बोलेंगे? आई ईट, आई इट नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आई ईट, आई। बात आ रही है समझ में? इसीलिए लेटर सीखना जरूरी है। और सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? आज हम सिर्फ लेटर्स ही सीखेंगे आज की क्लास में, लेकिन ट्रस्ट मी, इफ यू फोकस देयर लेटर्स, आई मीन अल्फाबेट, हिंदी एंड इंग्लिश, दैट विल टीच यू अ ग्रेट लेसन, राइट। तो लेट का मतलब हम कब यूज करेंगे? परमिशन के। ये लेट का मतलब देर या स्वर्गीय, अंडरस्टूड। जैसे कि ही इज लेट, वो क्या है? देर से है, वो विलंब करता है। बता रही है समझ में? और लेट से एक बना है लेटर। क्या बना है? ये भी है लेटर और ये है लेटर। क्या है ये? इस लेटर का मतलब क्या होता है? बाद में। क्या मतलब होता है? बाद में, अंडरस्टूड। अब जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, सी यू लेटर, किसी को बोले नहीं बाद में मिलते हैं, सी यू, इसका मतलब क्या हो गया? बाद में मिलते हैं। टॉक टू यू लेटर, इसका मतलब क्या हुआ? बाद में बात करते हैं, टॉक टू यू लेटर। फर्क आ रहा है समझ में आपको? लेटर, लेटर, अंडरस्टूड। अच्छा एक और वर्ड है जो हम अभी सीखेंगे, ये है लेट। लेट परमिशन के लिए कब यूज होता है? इसके लिए हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, बट अभी कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से आपको ये मैं समझा देता हूं। जैसे आप बोलेंगे लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए, इसका मतलब क्या होता है? मुझे परमिशन मांग रहे हैं ना आप, मुझे जाने दीजिए। लेट्स गो नाउ, लेट्स का मतलब क्या होता है? लेट अस। क्या मतलब होता है? लेट अस गो नाउ। आ रही बात समझ में आपको? परमिशन के लिए लेट हर गो, उसको जाने दो, या लेट हर स्टडी, उसे क्या करने दो? पढ़ाई करने दो। ये हम सीखेंगे डीप में, अभी कुछ यूसेज मैं आपको बता देता हूं बस इसके। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स गो नाउ, चलो अब हम क्या करते हैं? चलते हैं। लेट्स गो नाउ, लेट्स, बता रही है समझ में आपको? लेट्स गो नाउ, अंडरस्टूड। ये हम यू लोग यूज कर, लेट्स गो नाउ, हे कम ऑन लेट्स गो नाउ, कम ऑन लेट्स गो, हे कम ऑन लेट्स, यस सर, स्पीक, लेट्स गो नाउ, loudly, let's go now, style say, let's go now, let's go now, let's go now, very good। अच्छा आप जब आए शुरू में तो बहुत उदास दिख रहे थे, what happened? ठीक है, वो फोकस करते हैं, राइट। अच्छा लेट्स गो नाउ, लेट्स, आई बात समझ में? अगला देखिए, एक बनता है बहुत अच्छा फ्रेज, ये है टू लेट। क्या है टू लेट? का ये सारे वर्ड्स काम आएंगे आपको स्पोकन इंग्लिश में। इसका मतलब होता है किराए के लिए खाली। क्या मतलब होता है? के लिए खाली। क्या मतलब होता है किराए के? दिखता है ना आपको, दरभंगा में भी काफी आपको दिखता होगा। और एक होता है टू लेट, टी ओ ओ, टू लेट। ओ कम ऑन मैन, यू आर टू लेट, तुम बहुत देर करते हो यार, बोल देना आप, बात आ रही है समझ में?
और इसी के बाद में क्या है लेटर. ये सारे वर्ड्स समझ में आ गए आप लोगों को? अंडरस्टूड? यूज समझ गए ना लेटर को कैसे? ओ मैन कम ऑन सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं. सी का मतलब समझना भी, सी का मतलब देखना भी, और सी का मतलब ओ आई कैन सी, मैं समझ सकता हूँ, और सी का मतलब देखना और किसी से निपटना भी. आई विल सी यू, मैं देख लूंगा तेरे को. आई विल, आई बात समझ में. राइट देम डाउन फास्ट एंड यू गाइज कैन टेक स्क्रीन शॉट. कीप इन योर माइंड दैट आवर ब्रेन वर्क्स ऑन रिपीटेटिव एक्शन. हमारा जो दिमाग है वो किस चीज़ पे काम करते हैं? रिपीटेटिव एक्शन. कोई बायबॉर्न महारथी या फिर महापंडित तो नहीं होता है. दिस इज कर्म भूमि. यही हमको क्या करना होता है? करना होता है. तो सर ये काम कैसे करेगा? आप चलना भी इसीलिए चल पा रहे हैं क्योंकि बचपन में आपकी माता जी ने आपको 2 साल हाथ पकड़ पकड़ के चलवाए. राइट? अगर वो नहीं चलवाती आपसे तो आप ऐसे नहीं चलते. आप जानवर की तरह, चूंकि ऐसे थे तो ऐसे ही करके चलते रहते आप. राइट? आप राइट दाहिने हाथ से इसलिए खा पाते हैं क्योंकि आपकी माता जी ने आपको कूट कूट कर दाहिने हाथ से क्या किया? खाना सिखाया. राइट? आपने एक और एग्जांपल देखा होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम दाहिने हाथ से ही हम खाना खाते हैं चूँकि हमको आदत है. तो कहने का मतलब ये है कि आवर ब्रेन वर्क्स ऑन रिपीटेटिव एक्शन. तो जब हम बोलेंगे, जब हम पढ़ेंगे, जब हम लिखेंगे और जब हम सुनेंगे तो हमारे दिमाग इसी रिपीटेटिव एक्शन को प्रोसेस करने लगेगा. बात आ रही है समझ में? एक एक्टिविटी मैं कहता हूँ अपने बच्चों से कि आप लोग फॉलो करिए, उसको हम कहते हैं एक्टिव रिकॉल. क्या कहते हैं? एक्टिव रिकॉल. शॉर्ट में बता देता हूँ इसको क्या बोलते हैं. एक्टिव रिकॉल. इंग्लिश आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ YouTube पे, मान लीजिए आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं तो आप देख लेंगे और आपको भ्रम हो जाएगा कि यार मुझे तो इंग्लिश आ गई, या फिर आप लोगों को भ्रम हो जाएगा वर्ड लेटर टेंस ग्रामर वगैरह सीखने से हमको इंग्लिश आ जाएगी. नहीं, यू विल लर्न इंग्लिश ओनली व्हेन यू फोकस टू LSRW इक्वली बाय और थ्रू एक्टिव रिकॉल. विच मेथड? एक्टिव मेथड, एक्टिव रिकॉल मेथड. होता क्या है कि बच्चे, जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि ट्रांसलेशन लिखकर बना देते हैं, ग्रामर पढ़ देते हैं, उनको लगता है कि अब तो हमको आ जाना चाहिए इंग्लिश. नहीं, एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है जिस चीज़ को आप पढ़ते हैं उसको पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कि हमको यही पढ़ना, उसे दोस्ती कर लीजिए. अंडरस्टूड? आइडेंटिफिकेशन के बाद उसको सीख लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, और मेमोराइज करने के बाद आप बोल कर, जैसे आज जो कुछ भी मैंने पढ़ाया घर पर एक्टिंग करिए, हाई माई नेम इज दिस एंड टुडे एट माई करियर डॉक्टर आई लर्नड लेटर, या आई लर्न अबाउट लेटर. आई बात समझ में? अब जो जो चीज़ें सीखी उसको बोल बोल के क्या करेंगे आप? कॉमेंट्री करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे, सुनेंगे. यही वीडियो जब YouTube पे अपलोड हो जाएगा फिर से एक बार देख लेना अगर भूल जाओगे तो. बात आ रही है समझ में आपको? और जब आप सुनेंगे, देखेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे और बार बार रिपीट करेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं? आजकल बच्चे क्या करते हैं एग्जाम के टाइम में, गेस्ट पेपर मालूम है ना, उसको उठा के पढ़ लेते, जैसे तैसे एग्जाम में लिख देते, बाद में वो कभी काम नहीं आता है. लेकिन हम क्या फॉलो करेंगे? इससे दरअसल हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन भी अच्छी होती है, हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी आती है. हम कहते हैं कि जब आप ट्रांसलेशन भी बनाते हैं तो उसे बोल बोल कर बनाइए. क्या करके? पढ़ते हैं तो लाउडली पढ़िए. कैसे? तो इससे क्या होगी कि आपके अंदर का जो डर है वो धीरे धीरे धीरे, बात आ रही है समझ में? इसके ठीक उलट हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेशन बना देते हैं ऊपर मन से, ग्रामर पढ़ देते हैं ऊपर मन से पिताजी के लिए, और इधर उधर कर देते हैं, और जब कुछ नहीं होता तो अरे यार पढ़े तो हम बहुत थे लेकिन आया कुछ नहीं. मालूम है क्यों? चूंकि आपने पैसिव रिकॉल फॉलो किया था. क्या क्या फॉलो करेंगे? सो इफ टुमारो इन द क्लास आई आस्क यू टेल मी व्हाट डिड यू स्टडी यस्टरडे, तो कमेंट्री करके बताएंगे confidently, yes, sir. Taking promise, yes, sir. Mr. Sao, yes. पक्का? yes. कल तो नहीं कहेंगे कि हमको नहीं आता है या मुझे नहीं आती है, नहीं बोलेंगे ना, कसम खा रहे हैं. yes. कैमरे पर, यस सर, आपकी मम्मी भी देख रही हैं. जी कसम खा रहे हैं ना कि आप बोलेंगे. यस सर. एक्टिव या पैसिव? पैसिव फॉलो करेंगे. एक्टिव. पक्का? यस. ठीक है. तो अब हम क्या पढ़ेंगे? लेटर. किसी भी भाषा में सबसे छोटी इकाई को ही हम लेटर कहते हैं. किसको कहते हैं? हिंदी में भी होता है सबसे छोटी इकाई, इंग्लिश में भी होते हैं, उर्दू में भी होते, संस्कृत में भी होते, बंगाली में भी होते,
राइट right? और मैथिली के जो अल्फाबेट होते हैं वो हिंदी वाले ही होते हैं, am I right? या मैथिली जो भाषा है उनका जो अलग है, पक्का? अच्छा, ऑल राइट, लेटर. तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, द स्मॉलेस्ट, बोलिए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर. किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं. क्या कहते हैं? याद रहेगा ये. अब लेटर की हम प्रैक्टिस करते हैं बोलने की. बोलिए मेरे साथ, ए ए बे से डे ए. मैं गलत बोल रहा हूं. ए बी सी डी ई एफ 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 जी एच आई जे. एक होता है जा, जा ऐसे लिखाता है. कैसे लिखाता है? और एक होता है ज, ज. आई बात समझ में? ज ज, जैसे जफर, जेड ए एफ ए, जफर. आई बात समझ में? ये जरूरी है. कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो आपको नहीं आते होंगे, इसीलिए जबरदस्ती रटवा रहा हूं. बोलिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ ओ पी क्यू आर एस टी यू वी. यहीं पर हम लोग गलती करते हैं. इट्स नॉट भी, ये क्या है? वी. क्या है? वा वा. बोलिए वी. याद रखने के लिए बोलिए विक्ट्री. विक्ट्री जानते हैं ना, विजय पाना, विजय. वर्नाक्यूलर, वोकैबुलरी, वोडाफोन. वेरी गुड. वर्मा जी, वर्मा जी. विनोद, विपिन, विकास. एक होता है एस एच, शाह. वो हम आगे सीखेंगे. अंडरस्टूड ना? तो ये जो वी वाला ही आपको याद रहेगा ना. बोलेंगे कुछ 10-20 लेटर को रोज बोलने की क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे. डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू बब्लू नहीं डब्ल्यू एक्स वाई जेड जेड. इसको जी भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? आपने ऐसा देखा है कभी? ये ऐसा लिखा रहता है, जी न्यूज. क्या बोलते हैं? जी न्यूज. जेड को अमेरिकन इंग्लिश में क्या बोला जाता है? जी. क्या बोला जाता है? जी न्यूज नहीं बोला जाता है. मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको. जी क्या बोलेंगे? बोलिए जोर से. हाँ, बोलना. इंग्लिश के क्लास में आप हैं, मैथ्स में नहीं. मैथ्स में तो चलिए काम चलेगा आपका. टीचर को दिमाग लगाना जरूरी है और बच्चे को पैटर्न से देना. लेकिन ये लैंग्वेज की क्लास है. अंडरस्टूड? दिस डेफिनेटली रिमूव्स योर हेजिटेशन. आनंद आ रहा है आपको? गुड. अच्छा ठीक है, ये समझ गए ना. इन 26 लेटर्स को एक साथ हम कहते हैं अल्फाबेट. क्या कहते हैं? वैसे तो स्पोकन में इतना मायने नहीं रहता है. 26 अक्षर को हम एक साथ क्या कहते हैं? अल्फाबेट. इनका प्लुरल नहीं होता है, अल्फाबेट्स नहीं होता है. अच्छा, जैसे मैं बोलूं
अल्फाबेट क्या होते हैं? तो इन एवरी लैंग्वेज देर आर लेटर्स. इफ वी टॉक अबाउट इंग्लिश देर आर 26 लेटर्स. दीज ऑल लेटर्स टुगेदर कॉल्ड अल्फाबेट. दीज ऑल लेटर्स टुगेदर कॉल्ड, आई बात समझ में, इन सभी अक्षरों को एक साथ क्या बोलते हैं? अल्फाबेट. हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णमाला. अच्छा, ए ई आई ओ यू, ये पांच अल्फाबेट नहीं है, ये पांच लेटर्स हैं. आई बात समझ में? 26 लेटर्स होते हैं और इन 26 लेटर्स को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं. बात ध्यान रहेगा आपको. और ये एक दो नहीं होते कि पूरे सेट को कहा जाता है अल्फाबेट. इनका प्लूरल इंग्लिश वाली आप समझ गए. इसको आप जाइए किसी भी बच्चे से पूछिए, बाबू ए बी सी डी पढ़ो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ऐसे नहीं पढ़ना है, आराम आराम से पढ़ना है. राइट, तीन स्ट्रोक में ए बी सी डी ई एफ जी एच. वन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी Q R S T U V W X Y Z Z Z Z. आई बात समझ में? इसको फटाफट भगा भगा के नहीं पढ़ना है. अंडरस्टूड ना? राइट, दिस इज डन. नाउ वाई आई एम टीचिंग यू एंड स्पेशली आई वुड लाइक टू टीच यू हिंदी अल्फाबेट, दोज आर रियली वेरी वेरी हेल्पफुल. अभी मैं आपको एक डेमो भी दिखा दूंगा. This is done? Yes, sir. अच्छा, informal way में O zero होता है ना, zero, जैसे 1 2 0, इसको 1 2 0 0 बोला जाता है. क्या बोला जाता है? 1 2 0 0. Late. Why? You're just coming. You know this guy? Achha, he's going to be a room partner. He's from MP. He has just come. You know MP? Muzaffarpur. Anyways, MP se aaye hain ye. Achha, theek hai. To 1 2 0 ko aap kya padhenge? 1 2 ओ क्या बोलेंगे आप? मत बोलिएगा ओ ओ मीन्स 0 0. इनफॉर्मल वे में लोग बोलते हैं माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 420 420. समझ गए? 420 420. यहां देखिए, अब इंग्लिश वाली तो आपने देख लिए, इंग्लिश वाले आपने देख लिए, एक्टिव रिकॉल समझ गए ना क्या होता है? पर डे इससे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, जल्द से जल्द आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आएगी और आप अच्छा बेहतर बोलने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे. हिंदी वाले सीखिए, बोलिए आ, आप जरा आ आ पढ़िए बाबू. आ आ आ आ आ आ पूरा सर जी. आ आ ई ई उ उ क्या बोलेंगे? Ask him, उनसे पूछिए. Ask him. आई बात समझ में? Ask का मतलब मांगना भी और पूछना भी. Ask him a pen. उनसे क्या मांगो? कलम मांगो. वहां बैग मत बोलना. बैग का मतलब भीख मांगना और याचना करना होता है. याचना मीन्स दरख्वास्त करना, जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं किसी को. और कुछ चीज मांगेंगे आप तो क्या बोलेंगे? आस्क. या रिपीट. आ आ आ शर्माइए मत. ई ई ई ओ ओ और एक होता है री. संस्कृत के अल्फाबेट में ये यूज होता है लेकिन एग्जिस्टिंग है. हिंदी में मुझे सिर्फ ऋतु और ऋतिक में ये यूज कर पाता हूँ, उसके अलावा मेरे पास नहीं है. इसको मराठी में रू बोला जाता है. क्या बोला जाता है? रू. जब आप रू सुनेंगे, कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, तो मराठी में दरअसल री को क्या बोलते हैं? रू. दोनों एक ही होता है. गुड. ये मैंने क्यों लिखा है पता है आपको? ये बेसिक प्रोनंसिएशन को करेक्ट करेगा.
इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। जैसे आप जाइए नॉर्मली किसी से पूछिए, खासतौर से बिहार में यूपी में, कि मैं खाता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो पता है वो क्या बोलेंगे? आई इट। आपको लगेगा बोला तो सही, सही बोला ना, गलत है, चूँकि इट का मतलब ई और ई का मतलब ई। आई बात समझ में? तो आई टी तो इट, और ई ए टी क्या होता है? ई। समझ पा रहे हैं प्रोनंसिएशन में फर्क? आर यू गेटिंग दिस? तो मैं खाता हूं को क्या बोलेंगे? आई ईट। समझ पा रहे हैं? जब आप इंग्लिश सीखेंगे, अच्छी नौकरी करने के लिए बाहर जाएंगे, तो आपको एक टर्म सुनने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एम टी आई। क्या है ये? एम टी आई, मदर टंग इन्फ्लुएंसी, यानी मातृभाषा का प्रभाव। मान लीजिए मेरी भाषा मैथिली है, तो मैं अगर कहीं बाहर जाता हूँ और इंग्लिश बोलूँगा तो मैथिली मुझ पर हावी रहेगा। मेरी लैंग्वेज भोजपुरी है और मैं कहीं बाहर जाऊँगा तो मैं इंग्लिश बोलूँगा, तो जब मैं इंग्लिश बोलूँगा तो लोग समझ जाएंगे कि मैं बिहार से हूँ। जैसे कि यस आई एम वेरी गुड एंड आई नो दैट आई हैव टू डू एट, यू गेटिंग दिस ना? तो पीपल विल कम टू नो दैट वेयर आर यू फ्रॉम एंड हु यू आर। हमारे देश में जितने भी स्टेट्स हैं ना, और जो हिंदी इंग्लिश के अलावा दूसरी भाषा बोलते हैं, उनको क्या होता है? सबको होता है। बिहार में रहने वाले लोगों को होता है, बंगाल में रहने वाले लोगों को होता है, पंजाब में रहने वाले लोगों को, राजस्थान, हरियाणा, इन सब में रहने वाले लोगों को क्या होता है? MTI। लेकिन इसको दूर करने का तरीका क्या है कि जो प्रोनंसिएशन है ना, उसको हम क्या कर लें? अच्छा कर लें। इसीलिए मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, ये बेसिक चीज, क्योंकि बचपन में ही हम लोगों ने इसको क्या पढ़ा था? गलत पढ़ा था बाबू, इसीलिए हमसे क्या हो रही हैं, गलतियां हो रही हैं। समझ गए? आई ईट और आई इट में क्या फर्क है? आई इट तो गलत इंग्लिश है, लेकिन आई ईट करेक्ट इंग्लिश। ए सेज अ, ए सेज ए ए, या ए ए फॉर बोलते हैं ना, ए ए फॉर आ। आई सेज ई, ई सेज ई, you says o and o o says o। आई बात समझ में? o, right? आगे बोलिए। a, e says a, a i says a, o says o, a u says o, a u क्या है ये? ए यू, कम हियर, बोलते ए यू। ए एन से अंग, आम, कुछ लोग इसे आम भी बोलते, आम आम, और ए एच से क्या हो जाएगा? आह। अब देखिए, ये बताने का मतलब था, अभी से ही आप लोग इन चीजों पर फोकस करेंगे। किस पर फोकस करेंगे? एम टी आई का मतलब क्या होता है? मदर टंग। अच्छा, आपसे अगर फॉर्म में लिखा जाए आपकी मदर टंग क्या है, तो क्या लिखेंगे? मैथिली, हिंदी। समझ गए ना? एक बच्चे ने लिख दिया था पिंक, लिखा था मदर टंग, तो उसने लिख दिया था पिंक कानों। माँ की जो जवान है वो कैसी है? पिंक कलर का है ना, उसने पिंक। मदर टंग का मतलब मातृभाषा, जो आपका नेटिव लैंग्वेज है। आई बात समझ में आपको? गुड। तो जैसे कि हमको बोलना हो एस आई टी, इसको क्या पढ़ेंगे? सिट, सा, सा, या, र, ल, व, पढ़ते हैं ना, बोलिए शा, 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 एंड सा, सा, खींचकर शा, सा, शा, काम आएगा किसको रिमूव करने में? समझ गए ना एमटीआई क्या होता है? ये आपकी इंग्लिश पर डोमिनेंट होता है, जिसकी वजह से आप बहुत सारे वर्ड्स क्या करते हैं, गलत मिस प्रोनंस करते हैं। जैसे वेरी गुड, वी कॉल इट वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे कि ऑलराइट, शा, शा, सा, सावन। अच्छा, ससुर को कैसे बोलेंगे? सुर, ससुर बोलेंगे पागल। क्या बोलेंगे? शा क्यों बोलेंगे? ये वाला होता है ना, बोलिए सावन। एक गाना याद कर लीजिएगा,
और इस गाने से आपकी प्रोनंसिएशन बहुत अच्छी होगी। ये अक्सर लोग आते हैं प्रोनंसिएशन ठीक करने के लिए। दैट इज सावन का महीना, सावन का महीना, पवन करे शोर शोर। बात आ रही है समझ में? मनवरे हिले ऐसे, आप लोग याद कर लीजिएगा। इस गाने से आपकी प्रोनंसिएशन क्या होगी? काफ़ी हद तक करेक्ट होगी। नहीं आता, बहुत हिम्मत करके आज पहली बार किया है, इन बच्चों से पूछ लीजिए। हाँ, बधाई समझ में आपको। तो एस आई टी को क्या बोलेंगे? सिट, जैसे कि सिट डाउन। सेट डाउन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सिट डाउन, सिट डाउन, बैठ जाइए, सिट। और एक होता है एस एच आई टी, ये इसकी इंग्लिश क्या होती है? एस एच क्या होती है? इसकी भी इंग्लिश क्या होती है? और इसकी होती है एस। तो एस एच आई टी को क्या पढ़ेंगे? श में ई की मात्रा है, स में ई की मात्रा, शिट। क्या बोलेंगे? ओह शिट, धत तेरे की, ओह शिट शिट, ओह शिट, धत तेरे की। समझ गया ना? और एक होता है बाबू एस ई ए टी, सीट। नहीं है स, सीट। इट्स माई सीट, इट्स माई सीट। सिट डाउन प्लीज, शिट। दैट इज शिट गाय, शिट गाय, यू नो। अब आगे देख लीजिए, एक वर्ड होता है शीट, शाई, मार्क शीट। हेलो सर, आई वुड लाइक टू, इसको तलब विषा, ये वाला, इसको क्या, इसको क्यों नहीं खींचा जाता? बोला तो श श श, इसको भी मतलब इंग्लिश में ये क्यों होता है ना सर? जी हाँ जी हाँ, इसको खींचते हैं, इसको क्यों नहीं खींचते? इसको भी खींचते हैं, इसको नहीं खींचते हैं। हाँ, इन दोनों का प्रोनंसिएशन सेम होता है। आई बात समझ में? बस इसका डिफरेंट है। आप उर्दू पढ़े हैं ना? हाँ, तो उर्दू वालों की प्रोनंसिएशन अच्छी होती है, समझ गया। और जो हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं उनकी भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन दुर्भाग्य न मैंने पढ़ा ना आप लोगों ने तो देखा भी नहीं होगा हिंदी व्याकरण। पढ़े हैं? अरे वाह, किसी बच्चे ने हिंदी व्याकरण देखा है? उसको पलट कर देखा है? अच्छा, आपने, कैमरामैन कह रहे हैं कि इन्होंने नहीं देखा है कभी। आप इसी गोले से हैं? वेरी नाइस। कसम से मैंने व्याकरण नहीं पढ़ा था और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जिन बच्चों ने हिंदी व्याकरण अच्छे से पढ़ी है उनकी प्रोनंसिएशन अच्छी होती है, जिन बच्चों ने उर्दू अच्छे से पढ़ी है उनकी प्रोनंसिएशन, बात आ रही है समझ में, अच्छी होती है। ये तीनों समझ गए ना? और ये चीज़ें हम लोग बोल तो लेते हैं जैसे तैसे, लेकिन जब हम जाते हैं इंटरव्यूज़ के लिए, कहीं अच्छी जगह जाते हैं जैसे कि आप जा चुके हैं, तब वहाँ जाकर पता चलता है। राइट, अदरवाइज कम हियर ना, यू गेटिंग दिस ना, गो देयर ना, यू गेटिंग दिस ना, आइए ना, जाइए ना, ये वाला ट्यूनिंग आ रहा है, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक दे दीजिए, कम हियर ना, गो देयर ना, यू गेटिंग दिस ना, देयर इट इज। अब आप समझ गए ना ये क्या है प्रोनंसिएशन? सिट। क्या बोलेंगे? शिट, सीट, शीट, मार्क शीट, मार्क शिट, मार्क शीट, मार्क शीट, समझते हैं? गुड, गेटिंग दिस, दिस इज डन। नाउ व्हाट यू गाइस विल डू टुमारो इन दिस क्लास इज, इन तमाम चीजों को जो आपने पढ़ा हुआ है इसको एक्टिव रिकॉल के तहत घर पे रिवाइज करेंगे। कुछ अल्फाबेट की अच्छी वीडियोस माय करियर डॉक्टर टेलीग्राम चैनल है, मालूम है ना आपको, उसको ज्वाइन कर लीजिए। हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग टेलीग्राम चैनल? रेज योर हैंड्स। यू आर नॉट यूजिंग, ओके, यू, ही कम्स विद यू, राइट, यू विल टेल हिम हाउ टू यूज टेलीग्राम चैनल। यू गाइज, टेलीग्राम चैनल इज गुड ऐप, राइट? सो इफ यू आर कनेक्टेड विद टेलीग्राम चैनल एंड प्लीज ज्वाइन माई करियर डॉक्टर, वहाँ पर हम आपको होमवर्क दे देंगे, वीडियो शेयर कर देंगे, और एक वीडियो जो आपको रोज देखना चाहिए जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, कल बोल के नहीं किया, आई एम सॉरी, आज पक्का शेयर कर देंगे, ठीक है? और साथ में एक हिंदी अल्फाबेट की वीडियो शेयर करेंगे, उसको देखिएगा, सुनिएगा उस मैडम को, जैसे जैसे वो बोलती है वैसे वैसे आप क्या करेंगे, क्यों? क्योंकि इससे आपकी प्रोनंसिएशन अच्छी होगी। वो मैडम मुझसे भी अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, उसको सुनिएगा जरूर, इग्नोर मत करना,
राइट right? और अगला इंग्लिश अल्फाबेट ABCD वाला अच्छे से सुनिएगा, और सुनकर छोटी छोटी जब बातों आप पढ़ेंगे चीजों को तो उसको कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा, क्या करिएगा। एंड टुमारो इन द क्लास इफ वी आस्क यू कि व्हाट डिड यू स्टडी यस्टरडे, तो आप बोलेंगे ये तमाम चीजें प्रोनंसिएशन और मीनिंग के साथ। कैन यू डू सो, एम आई राइट। तो डे वन से आपके अंदर क्या होगा, टीचिंग एबिलिटी आपके अंदर क्या होगी, इंप्रूव होगी। आ रही है बात समझ में, दिस इज डन। आज हम ग्रामर में यही तक रहने दें, चूंकि कल आपको पता है क्या करना है, हिंदी अल्फाबेट सीखना। सर हमको तो आता है, देखिए होता क्या है, हम लोगों को आता है सब कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। जैसे खाना खाने की बात करूं, हम सभी को मालूम है अच्छा खाना खाने से हेल्थ अच्छा होता है, लेकिन अगर खाना सामने आ जाए ना तो हम टूट पड़ते हैं, और एक मिनट के अंदर थाली साफ होता है ऐसा, खाना ऐसा नहीं खाया जाता, वो बहुत आराम से और प्यार से खाया जाता है। बोला जाता है कि खाने को दोनों तरफ चबा के खाना चाहिए, खाना पानी बन जाए और पानी जब आप पिए तो उसको खाने की तरह धीरे धीरे, पानी अगर हमारे पास आ जाए एक लीटर तो हम दो सेकंड के अंदर पूरा गटक जाते हैं, वो भी गलत तरीका है। खाना हम दो मिनट के अंदर पूरा खा जाते हैं, वो भी क्या है। तो वैसे ही इंग्लिश जब सीखने की बारी आती है, और किसी भी बच्चे से बोलिए कि पढ़ो, समझ गया, इसके ऐसे नहीं करना, उसको कैसे बोलना है, आराम आराम से पढ़ना भी कैसे है, आ रही बात समझ में आपको, तभी आप अच्छे और प्रॉपर क्या कर पाएंगे, बोल पाएंगे। आ गई बात समझ में। तो अल्फाबेट हिंदी एंड इंग्लिश दोनों का वीडियो आपको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल माई करियर डॉक्टर पर। उसके अलावा एक वीडियो मिलेगा, उसको भी देख लीजिएगा, और ये जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है ये आपको मिल जाएगा माई करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, फ्रेश स्पोकन इंग्लिश ऑफलाइन बैच के नाम से। अगर आप दोबारा इसको पढ़ना चाहे, देखना चाहे कि आपने क्लास में क्या पढ़ा, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। इज दैट ओके, ऑल राइट, राइट इट डाउन प्लीज फास्ट इफ यू वॉन्ट टू राइट, एंड लेट्स स्टार्ट एक्टिविटीज नाउ। ऑल राइट, सो दिस इज डन, एम आई राइट, लेट्स प्रोसीड the activities now that will help us to be little fearful. So you hold on for some time. I know you come and you speak like a stain gun, you don't fear, I know. So let me give chance to those who feel little hesitated, right? After some time I'll ask you to come here. Golu Kumar, please come. I want you to please introduce yourself, come and stand there. Good evening, my old friend, myself Golu Kumar. My father's name is Mr. Ranjit Bhagat. I'm from Bihar in Muzaffarpur districts. And my hobby is reading, and my aim of life be a police officer in my life. That's all. Thank you. Stay there. आपने जो बोला आपको ऐसे बोलना है, हेलो एवरीबॉडी, मतलब सबको मेरा नमस्कार, हेलो एवरीबॉडी, माई नेम इज गोलू कुमार फ्रॉम MP बिहार, फ्रॉम MP बिहार, मुजफ्फरपुर बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। हाय, माई नेम इज गोलू कुमार, या फिर हेलो, हाय इनफॉर्मल है तो फॉर्मल में क्या बोलेंगे, फिर से आपको बोलना है हेलो, या फिर हेलो एवरीबॉडी, सबको मेरा नमस्कार या फिर सलाम। माय नेम इज गोलू कुमार फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार, क्या बोलेंगे, फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार, ऐसे करके आप बोलेंगे। माय सेल्फ मत बोलिएगा, जैसे मैं बोलूं माय सेल्फ प्रकाश सिंह आजाद, ये गलत इंग्लिश है, या तो मैं बोलूंगा आई एम प्रकाश सिंह आजाद, या फिर माय नेम इज प्रकाश सिंह आजाद, ये दोनों फॉर्मल है। क्या है, माई सेल्फ मतलब मैं खुद को प्रकाश सिंह आजाद कहलाता हूँ, इसमें ईगो आता है, आई बात समझ में, या फिर हाई दिस इज प्रकाश, ऐसे नहीं बोलना, हेलो माई नेम इज प्रकाश, पूरा नाम आपको बोलना है, माई नेम इज प्रकाश सिंह आजाद, या फिर आई एम प्रकाश सिंह आजाद, आई बात समझ में आपको। आई कम फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार, एंड माई फादर्स नेम इज मिस्टर, जो है उनका नाम भगत, या ही इज, या फिर उनके बारे में नहीं बोल के स्टडी, आई डिड 10th फ्रॉम बिहार बोर्ड विथ जितने परसेंटेज मार्क्स थे, 12th फ्रॉम बिहार बोर्ड जितने परसेंटेज आपके मार्क्स थे, ऐसे क्या करेंगे आप बोलने की कोशिश
गलतियाँ समझ गए आप क्या कर रहे थे. टेक दिस प्लीज एंड स्पीक वन सेकंड. ग्रीटिंग में क्या वही हेलो हेलो ग्रीटिंग ही है ना. गो अहेड. हेलो माय नेम इज गोलू कुमार एंड आई कम फ्रॉम बिहार मुजफ्फरपुर एंड माय एम ऑफ लाइफ पुलिस ऑफिसर इन माय लाइफ एंड माय फादर्स नेम इज मिस्टर रंजीत भगत. ही इज ए फार्मर. आई हैव डन माय ट्वेल्थ एंड नाउ आई एम परसुइंग BA पार्ट वन. थैंक यू वेरी मच गोलू. थैंक यू. इट वॉज बिकॉज फर्स्ट डे एंड ऑफ कोर्स वी मेक मिस्टेक्स राइट. थैंक यू आफ्ताब. कम फास्ट. हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज एमडी आफ्ताब. हेलो हाउ डू यू डू आफ्ताब. मैं आपको समझा देता हूँ. इन्होंने पूछा हेलो हाउ डू यू डू. आप यदि किसी से पहली बार मिलते हैं या बहुत दिन के बाद मिलते हैं, आई बात समझ में, पहली बार या बहुत दिन के बाद, तो ये ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है. आप पूछ सकते हैं हाउ डू यू डू. क्या पूछेंगे? ये भी एक ग्रीटिंग है गोलू. क्या है ये? ग्रीटिंग है. तो इसका आंसर भी क्या होता है? How do you do? आई बात समझ में? आप भी क्या बोलेंगे? How do you do? Handshake करें तो proper handshake करेंगे. अभी कोरोना का टाइम है, नहीं दिल करे तो मत करिए आप handshake. ठीक है, अच्छा है कि आप दोनों मास्क में हैं. वेरी गुड. और गंदा मैं नहीं हूँ, अच्छा नहीं लग रहा. मैं भी मास्क ढूंढ रहा था लेकिन आज गलती से घर पे ही रह गया. ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? ये अगर बोले आपसे हाउ डू यू डू तो आप भी क्या बोलेंगे? हाउ डू यू डू. और अगर ये बोल दे हाउ डू यू डू माय नेम इज कानू पटेल तो आप भी क्या बोलेंगे? हाउ डू यू डू माय नेम इज एमडी आफ्ताब मोहम्मद आफ्ताब. क्योंकि आप पहली बार हाउ डू यू डू बोलेंगे फिर नाम पूछेंगे तो इट्स बेटर कि एक ही बार में वो चीज. आई बात समझ में? वंस अगेन एक्शन. हेलो हाउ डू यू डू माय नेम इज कानू पटेल. हेलो हाउ डू यू डू MD Aftab. My name is MD Aftab. Very nice. Improving. Once again. आप पूछिए. Hello. How do you do? My name is MD Aftab. Hello. How do you do? My name is Kanu Patel. And where are you from, Aftab? नहीं समझ. अगर आपको समझ में नहीं आए कोई चीज, कोई पूछ रहा है तो क्या बोलेंगे? Pardon. क्या बोलेंगे? पूछिए. Where are you from, Altaf? Pardon. Where are you from in? आप कहाँ से हैं? Azwal Darbhanga. I am from. Azwal Darbhanga. How far is Azwal from here? How many kilometers away? 1, 2, 3, 4, 5. How far? Three. 3 kilometers. It's 3 kilometers. Okay. 3 kilometers away from here. Okay. और व्हाट अबाउट योर स्टडी? अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए. व्हाट डू यू स्टडी? 11th 12th 10th 9th 12th पास. आई हैव जस्ट कंप्लीटेड 12th. आई हैव जस्ट कंप्लीटेड 12th. यू आस्क हिम नाउ. आस्क क्वेश्चन करें. या ओके. हाउ डू यू नो अबाउट माय करियर डॉक्टर? Do you know about? आप माई करियर डॉक्टर के बारे में कैसे जानते हैं? भैया बताए. भैया what does your brother do? He does what? Student, teacher, professor, doing job, study or what? समझ नो आइडिया. थैंक यू ऑल द बेस्ट.
take your seat. All right. Kavinder, first you will introduce yourself. Feeling confident? Yes. Good. Take this, please. Hello, my dear friends, and thank you for all of you. My name is Kavinder Kumar, and I am from Bihar, Arwal district, and I want to be a success teacher in our life, like Prakash sir. My family background is a middle class family, and my mother is a housewife, and my brother is a worker in company. That's all. Very much. Thank you. All right. Hi. Shivam, come please. Come. Speak something, anything. If you want to speak, you can do that. Or it's better, I want, come here, Rohit. You both have to talk to each other. Yes. I don't know what, but let's get started. I hold it. Mm-hmm. Hello, how do you do? I am Rohit Ranjan. Hello, how do you do? I am Shivam Mishra. Wow, he's picking up quickly. Very nice. Where from you belong? Where are you from? Where are you from belong? Not belong. Where are you from? Ab yeh to puchhenge, where are you from? Where do you come from? Where do you belong from? Or where do you belong to? Understood? I'm from Darbhanga. Live in Bhuskol. I am from Bhuskol, Darbhanga. I am from Bhuskol, Darbhanga. Which is 15 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर. आप क्या बोलेंगे? मैं भूस्कौल दरभंगा से हूँ, जो यहाँ से 15 किलोमीटर, यही है ना? 25. इतना मैंने. अच्छा, ही इज शेखर्स ब्रदर. ऑलराइट, सो आई एम फ्रॉम भूस्कौल दरभंगा, विच इज 25 किलोमीटर्स अवे. फिर आप बोलेंगे मैं तो 70 किलोमीटर दूर से. Yeah, I am from Bhuskol Darbhanga, 25 kilometer. Which is 25 kilometers. 25 kilometers. Away. Ab inse poochiye. And where are you from? And where are you from? I am from Samastipur, Bihar, and which is also far from here, 70 kilometer. Oh my God. It's great. It's great. I come every day to coaching. Matlab 70 kilometer ke samne to mera kuch bhi nahi hai. You know, he comes from 70 kilometers. Yes sir. You know, yesterday he told na, bataya tha na pehle. Yes sir. First he takes bicycle to railway station 20 kilometers, then he takes rail train to Lehri Azra, then he comes by walking. 11 number bus. Yes. You know 11 number bus? So no, by bus, no, by pedal. No. Pedal ko hi 11 number ki bus. Oh. Next. What about your study? I study in class 12. Finish. Mm-hmm. Part 1. Mm-hmm. I'm doing a graduate. I am doing graduate at पार्ट वन. उसी का मतलब या तो आप बोलेंगे आई एम ग्रेजुएटिंग या फिर आई एम डूइंग ग्रेजुएट. आई बात समझ में? आई एम डूइंग ग्रेजुएशन मत बोलिएगा. या तो क्या बोलेंगे? आई एम डूइंग ग्रेजुएट या फिर आई एम ग्रेजुएटिंग. क्या बोलेंगे? आई बात समझ में? या फिर आई एम स्टडिंग ग्रेजुएट. ये करेक्ट है. कुछ बोलते परसुइंग इज नॉट इनकरेक्ट, बट ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है. बहुत जगह आपको परसुइंग पर रोक लगा दिया जाएगा. डूइंग, स्टडिंग, ग्रेजुएटिंग, ये सब प्रॉपर इंग्लिश है. What is your purpose of your life? What is the purpose of your life? What is the purpose of your life? I mean, what you want to achieve in your life? Very good. Sir, my aim is Indian Army. The purpose of my life is to join Indian Army. The purpose of my life is... The purpose of...
My life is Indian. Join Indian Army. To join Indian Army. To join Indian Army. Oh great. Oh great. Why do you want to join Indian Army? And where from you get inspiration to join Indian Army? You get a question. Why do you want to join Indian Army? And who inspired you to join? Inspired means whom did you see and you thought, oh my God, ab main bhi banega army. Kin se shiksha prerna mili? Khud se. Khud se. Wow, yes. Great job. Self inspiration. Ya fir self-inspired isko kehte hain? Self-inspired. Boliye, hey bro, nice to talk you. Hey bro, nice to talk you. Aap bolenge nice to talk you too. Nice to talk to you. Acha, jab hum kisi se pehli baar milte, nice to meet you. Aap milne par kya sakte hain? Wo bolega nice to meet you too. Kya bolega? Nice to meet you too. Aayi baat samajh mein? T-O-O, T-O nahi. Aur baat karne ke baad nice to talk to you. Aapse baat karke acha laga. To aap kya bolenge? Nice to talk you too. Thank you very much. Very nice. All the best. Okay, come please. Anand. So you guys stay there. It's easy for me to give you a mic. Right? Call a boy from outside. Tell him to hold it. Yeah. Hi. Let's talk to each other and get to know about each other. You should first start. Hello, how do you do? My name is Anand Kumar. Hello, how do you do? I am Ganesh Kumar. Bill, where are you from? I am basically from Darbhanga, but I belongs to a village which is in Darbhanga. Name is it was Shivnagar. Where are you? Basically from here, where are you originally from? Well, originally I come from Sahoparri, a village, how many kilometers? It's 40 kilometers. I am originally from Sahoparri, a village 40 kilometers away from the city. But currently I am residing in Darbhanga. Is waqt main kahan reh raha hu? Darbhanga mein. Aap bhi puchhiye, sirf yahi nahi. I can ask something. So what about you? What you are doing? I am basically from Brahmpur village. This is the village of Darbhanga, which is 40 kilometers from here. But I am currently living in Bela, Darbhanga. Which is 8 kilometers from here. What? I think you are not getting my question. I want to ask you what you want to do in future. Industry. I mean, what's the goal of your life? Yeah, right? Yeah. Yes, I want to become a government employee in any sector. Not decided any sector. You can ask me anything. Yes. What's your father's name? His name is Kapilendra Thakur. Sri Kapilendra Thakur. Yes. And what's your father's name? Yeah. My father's name is Mr. Suresha. He is a farmer. And how many members are there in your family? In my family, there are 6 members. One myself, and one my father, and one mother, and I have 3 sisters. Oh great, good job. बात जब किसी से करते हैं ना, good job, great, sounds great, अच्छा लगा सुनकर. तो क्या बोलते हैं? Sounds great. ये सब fillers use किया करिए, नहीं तो लगेगा कि scripted है, याद करके आया हुआ है. You getting this ना? You know fillers. Yes sir. Yes. In which class do you read? Currently I am doing my second year BSc from math. Yeah. In which college? From KS College. Yeah. Okay. And I am also doing graduate
from CM College, Darbhanga, and in BA Part 2 in Economics Honors. In which place do you like? In which place do you like in Bihar? In which place do you like most in Bihar? Which place do you like most in Bihar? Pretty much, I'm not travel anywhere, but currently I like Darbhanga. Yeah. Silent. ये तो बच्चे सब violent हो जाएगा. Yeah. Sir, I'm not trying to understand what I have to say. Which place in Bihar do you like most? I understand the question. Yeah. But currently I like Darbhanga in Bihar the most. Yeah. So. Once again. Excuse me, sorry for the interruption. Halim. Don't talk in the class. If you have urgent call, put this on silent and go outside to talk. Understood, na? Don't use cell phone inside. We get disturbed. Right? Yeah, continue. So what your hobby? What you like? Yes. My hobbies are teaching and listening music and it is etc. And hobby means etc. It doesn't sound. Which song is your favorite song? Which is your favorite song? Yeah. Yes. Old Hindi song is my favorite song. And you? Can you sing? Yeah. And you? What about you? For what? What are your hobbies? Hobby. Well, my hobby is playing cricket and chess. Okay. Yeah. And in this time, I like. Some motivational music. Yeah. Why do you want to learn English? Because I don't know English. That's why I want to learn English. Okay. But I want to learn English because if I am not speak in English, I think my personality is not full. So will not be developed. Yes. We do not develop. If not international language, language. I am not traveling foreign country. But I live in India. If I am not speaking English, so you faces many problem in life. Yeah, then that's correct. Yeah, but yeah, sure. Yeah. Sure, bilkul. Yes, yeah, sir. Sure. You don't know. Okay, let's finish it. Nice to talk to you. Same to you. Very smart. Same to you. Achha, tell me one thing. Last time you joined this coaching for a month. Did you have benefit that time? Yes, sir. What benefit you have? Basically, I learn. Basic small word and small sentence my mind are connect and you speak. You have started connecting small things. Yes. Started speaking. Yes. Yeah. Most important here daily one topic given by Prakash Singh Azad and by the trainer. By the trainer. सभी trainer को जानते हैं इसलिए हम the trainer. Yes. And learner ready this topic and speak here loudly. So this is the important for speaking English. This is my opinion. So you have this benefit. Yes. Thank you very much, Anand. Thank you. All right. So guys, now I finished this here and we have still half an hour. Now we will practice off the camera, right? I stop this today by telling you, I have given you homework. सबसे पहले आप English वाले alphabet सीखेंगे, Hindi वाले alphabet सीखेंगे, वो videos आपको कहाँ मिल जाएगा? Telegram channel My Career Doctor पर. उसके बाद आप क्या सीखेंगे? ये जितने भी words आपको बताया गया, और उसको बोलने की practice करेंगे. क्या करेंगे? और कल जब आप आएंगे तो आपसे बोला जाएगा कि बोलिए कल आपने क्या सीखा. तो क्या आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं? गुड इवनिंग.
लाइक अ टीचर, बोलेंगे ना? Yes, पक्का? Yes, और नहीं बोलोगे तो? या मुर्गा बना दिया जाएगा आपको. हाँ, और गर्ल्स के लिए ये वाली सजा, ये है ना, आप जितने भी आएंगे उनके लिए ये वाली सजा, ठीक है बाबू? और बॉयज के लिए ठीक है. मुर्गा कैसे बनते ये मैं बताऊं? तो बहुत स्मार्ट है. एनीवेज, यू विल डू दैट या स्टडी दैट ऑनेस्टली एंड आई एम डैम श्योर यू मस्ट लर्न. कल से आज में जो मुझे फर्क दिखा है, जैसे कि इस बच्चे में दिखा है थोड़ा सा मुझे, इफ समबडी वॉज हियर, आप नहीं थे कल, कोई और था, जैसे कि कल ही वॉज नॉट ट्राइंग एट ऑल. डू यू रिमेंबर? रिमेंबर दैट ही वॉज नॉट ट्राइंग एट ऑल, बट टूडे ही ट्राइड अ लिटिल. और जितने भी बच्चे हैं, जैसे गुड्डू बाबू आए, तो इनमें भी मुझे थोड़ा सा डिफरेंट दिखा, राइट? कल के बजाय आज इम्प्रूवमेंट मुझे दिखा, ठीक है ना? आप रोहित एक काम करिए, जो रेट ऑफ स्पीच है ना उसको थोड़ा कंट्रोल करिए. आई बात समझ में? अभी क्या है कि स्टार्ट होते ही पांचवी गियर पे आप चढ़ा देते हैं, उसको थोड़ा सा शुरुआत में फर्स्ट गियर पे अच्छा बोलते हैं आप, लेकिन उसको करना क्या होगा, समझ गए ना? कंट्रोल. यू गेटिंग दिस ना? नाप तौल कर, ज़्यादा नहीं हमको बोलें, कंट्रोल करके बोलें. दैट इज द थिंग यू हैव टू डू. वो आएगा कैसे? रीडिंग करके. कैसे रीडिंग करना है? धीरे धीरे. कल हम पहले यही सीखेंगे, रीडिंग करना. और शुरुआत जो है वो आप लोगों को क्या करना है, चंपक नाम की एक किताब आती है इंग्लिश में, उसे खरीद लीजिए मार्केट में. अंडरस्टूड? यहाँ पे अगर आ जाता है, मुझे मिल जाता है, तो मैं मंगवा लूँगा, यहीं से आप ले लीजिएगा. अगर यहाँ नहीं आता है तो आप बाहर से खरीद लीजिए. उसको लाउडली पढ़िए. कैसे पढ़िए? आराम आराम से, स्ट्रोक के साथ पढ़िए. रोज़ कुछ ना कुछ वर्ड्स याद करिए, रोज़ कुछ ना कुछ पढ़िए, सुनिए, देखिए, बोलिए. ऑटोमेटिकली आफ्टर 3 months योर ब्रेन विल बिगिन टू प्रोसेस इन इंग्लिश. इज दैट ओके? ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.